हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके साथ कुछ एमसीक्यूज़ है वो कवर करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन वो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो मेनली आई है CERTIN के बारे में, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के बारे में। तो आर्टिकल क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये न्यूज़ है बॉडी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो कंटेक्स्ट ये है कि अभी एक नया मार्वेल अटैक हुआ है, मतलब एक नया साइबर अटैक हुआ है, उसके बारे में है। क्या है नाम उस साइबर अटैक का? उसका नाम है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में होता क्या है, इसमें देखो ये होता है कि जो यूजर होता है वो क्या होता है, कोई भी वेबसाइट वगैरह कोई भी डाटा होता है उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। अगर वो कुछ भी डाटा एक्सेस वगैरह, जैसे कोई भी वेबसाइट है उसको ओपन करना चाहता है, तो उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आप इस सर्विस, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आपके पास इसकी अथॉरिटी है वो नहीं है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी सर्विस उसे नहीं मिल पाती है, सर्विस है उसके लिए डिनाइल कर जाता है। तो ये एक नया अटैक है, डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से भी जाना जाता है इसे, DDoS के नाम से भी ये अटैक है वो जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि ML एक नया साइबर अटैक है, किससे रिलेटेड है वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे बॉडी है वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब देखो इंडिया में कोई भी साइबर अटैक होता है उससे निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, जो बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। उसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि इंडिया में कोई भी साइबर अटैक होता है उससे डील करने के लिए, चाहे वो हैकिंग का हो, चाहे फिशिंग का, कोई भी साइबर अटैक हो किसी भी तरीके का, उससे डील करने निपटना है, उन सारे कामों से डील यही बॉडी करती है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि कब बनाया गया, 2004 में इसको बनाया गया था, बस ये ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री वगैरह। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है डेफ एक्सपो इंडिया 2018 के बारे में। तो क्या है यह, किससे रिलेटेड है वो देखते हैं। डेफ एक्सपो 2018 है वो मेनली उसका 10th एडिशन है, वो चेन्नई में होस्ट किया गया है, चेन्नई के द्वारा आयोजित किया गया है। देखो बात ऐसी है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो डिफेंस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए और बूस्ट करने के लिए, जैसे कि आर्मी हुई, नेवी हुई, एयरफोर्स, इन तीनों के जो भी वेपन्स वगैरह, जो भी इनके द्वारा सामान बनाया जाता है इंडिया में, उसको अगर फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो उसको प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनी है वो आयोजित की जाती है, और उसका 10वां एडिशन है वो चेन्नई में आयोजित किया गया। तो यह हमें ध्यान रखना है। उसका नाम डेफ एक्सपो इंडिया 2018 से हुआ क्या है, इंडियन जो नौसेना है उसके द्वारा और इंटरनल सिक्योरिटी जो प्रणाली वगैरह उन सब के बारे में इसके बारे जो अवेयरनेस वगैरह वो सब दी गई है। तो मैंने आपको यही याद रखना है कि भाई इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने के लिए प्रदर्शनी है वो आयोजित की गई है इस बार चेन्नई में, और उसका 10वां एडिशन है ना कि पहला है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है छोटी सी वो आई है नमस्ते सलोन के बारे में। तो नमस्ते सालमोम क्या है वो देखते हैं। नमस्ते सालमोम है वो मेनली एक मैगजीन है, किसके लिए, इंडिया और इज़राइल के बायलेटरल रिलेशंस के लिए। तो यह हमें ध्यान रखना है कि भाई इंडिया और इज़राइल इन दोनों के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक एक मैगजीन है वो निकल गई, जो कि मंथली मैगजीन पब्लिश होती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है नमस्ते सालोम। तो ये हमें ध्यान रखना कि नमस्ते सालोम भाई किससे रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है सिल्वर कॉपर टेलुराइड के बारे में। तो सिल्वर कॉपर टेलुराइड क्या है, यह मेनली एक नया मटेरियल है जो कि भी नए रिसर्च और नए साइंटिस्टों के द्वारा ये नया इनोवेशन है वो किया गया है। इसे AgCuTe के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें है क्या, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो UPSC मेनली साइंस एंड टेक के नज़रिए से भी पूछ सकती है। इसकी प्रॉपर्टी देखो ये है कि एक तो ये हाई टेम्परेचर पर भी इसकी कंडक्टिविटी है वो रहेगी, मतलब इसके इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट है वो नल है। टेम्परेचर नल का मतलब है कि बहुत कम इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, अप्रोक्सीमेट 450 डिग्री सेल्सियस पर भी ये आराम से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ट्रांसमिट है वो कर सकता है। इसके साथ ही एक अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी है, मतलब चालक भी बहुत अच्छा है, और जो हीट होती है उसका भी इस पर इफेक्ट नहीं होता। देखो होता क्या है, नॉर्मली जो भी कोई वायर होता है, जैसे कि आप कॉपर वायर ले लो या दूसरे वायर, लोहे का वायर ले लो, एग्जाम्पल लोहा और कॉपर का वायर, लोहे के वायर में क्या होता है कि उसके जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है अगर हम उससे लाइट ट्रांसमिट करते हैं तो, जिसकी वजह से लॉस ज़्यादा होता है, और एट लास्ट में क्या होता है जितनी लाइट हम भेजते हैं उससे कम लाइट ही आगे पहुँच पाती है। अगर वहीं हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं तो कॉपर वायर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है और उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस भी कम होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हीट इफेक्ट है वो भी कम होता है। तो वहीं साइंटिस्टों ने एक नया मटेरियल है वो देखा है जिसमें क्या है कि उसकी हीट है वो भी बहुत कम है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टिविटी है चालकता है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये हमें ध्यान रखना है क्या है, साइंटिस्टों ने भी एक नया मटेरियल है वो खोजा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है CBRN इमरजेंसी या CBRN
डिफेंस के बारे में है क्या, यह देख लेते हैं। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि इसके बारे में CBRN इमरजेंसी के बारे में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने एक मॉक ड्रिल है वो स्टार्ट की थी, तो उसको लेके आए। देखो CBRN इमरजेंसी का मतलब यह है, सी का मतलब है यहाँ पे केमिकल, बी का मतलब है बायोलॉजिकल, आर का मतलब है यहाँ पे रेडियोलॉजिकल, और एन का मतलब है न्यूक्लियर वेपन, मतलब जो हजारडस मटेरियल्स हैं जैसे केमिकल अटैक हो जाए या फिर बायोलॉजिकल अटैक हो जाए या फिर रेडियोलॉजिकल अटैक हो जाए या फिर न्यूक्लियर अटैक हो जाए, उनसे निपटने के लिए जो भी एक्शन लिया जाता है इंडिया में वो लिया जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको लेकर यह कंटेक्स्ट है। तो हमें यह तो यह ध्यान रखना है कि CBRN है क्या, CBRN इमरजेंसी वो देखा है कि केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो हजारडस केमिकल्स होते हैं या हजारडस जो मटेरियल्स होते हैं उनकी वजह से जो अटैक होते हैं उनको कहा जाता है। अब इंडिया में जो बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके बारे में देखते हैं। कंटेक्स्ट हमने डिस्कस किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इंडिया में कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो या फिर चाहे मैन मेड डिजास्टर हो, मतलब किसी भी तरीके का इंडिया में कोई भी डिजास्टर हो उससे निपटने के लिए एक मैन एजेंसी है, हेड एजेंसी है, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यह आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, तो यह हमें ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, तो यहाँ हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसका निर्माण है वो किया गया है, काम हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना वो काम करती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के द्वारा NDRF, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो भी आती है ऑब्वियसली होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो न्यूज़ थी, वो हमने सारी यहाँ पे कंप्लीट की। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये हृदय स्कीम के बारे में, तो हृदय स्कीम के हैं और प्रसाद स्कीम के हैं दोनों को हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने भी इनके लिए नया बजट है वो अलोकेट किया, उसको लेके न्यूज़ आई है। अब देखो प्रसाद स्कीम है और हृदय स्कीम है दोनों काफ़ी रिलेटेड सी स्कीम है, तो इनकी दोनों में हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। हृदय स्कीम का मतलब है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। अब इसमें होगा क्या, यह मेनली 2015 में देखो यह गवर्नमेंट योजना या स्कीम लेके आई थी, कौन सी मिनिस्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। यह है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया, तो आप देख के एग्जाम में कल्चर मिनिस्ट्री वगैरह का टिक मार्क मत कर देना क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें हृदय स्कीम में प्रावधान ये किया गया है कि भाई इंडिया की जो भी हेरिटेज साइट है ना उन साइट को एक्चुअली उनको प्रिजर्व करके रखना है, इसके साथ ही उनको रिनोवेशन मतलब उनको बहुत ध्यान से रखना है, इसके लिए यह बॉडी इसके लिए में वो आई है ताकि उनका जो कल्चरल जो हिस्ट्री है वो आगे लोगों को मिल सके। और उसका सबसे अच्छा फायदा क्या होगा, देखो अगर कोई भी साइट है हेरिटेज साइट अगर उसको गवर्नमेंट संभाल कर रखती है बहुत अच्छे से, उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस वगैरह उसको एक तरीके से प्रजर्व करके रख दिया है, तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी को फायदा होता है क्योंकि टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ता है उससे, तो एक तरीके से काफ़ी फायदा होता है, तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह मेनली मेन मोटो है हृदय स्कीम का। इसमें 12 जो प्लेस हैं उनको चूज किया गया, तो कौन कौन से हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। 12 प्लेस में सबसे पहले आता है अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में, गया है वो आता है बिहार में, उसके बाद द्वारका वो आता है गुजरात में, अमृतसर वो आता है पंजाब में, और अजमेर आता है राजस्थान में, और कांचीपुरम आता है वो आता है तमिलनाडु में, इसके बाद में वेलानकानी आता है वो भी तमिलनाडु में आता है, और पुरी आता है वो आता है जगन्नाथ पुरी है वो उड़ीसा में है, इसके बाद वाराणसी है वो उत्तर प्रदेश में है, मथुरा है वो भी यूपी में, और केदारनाथ है वो उत्तराखंड में है, और एक आसाम का है वो नाम है कामाख्या। तो ये आपको ध्यान रखना है, UPSC ऐसे ही पूछ सकती है, देखो मेनली PCS वगैरह में तो पूछ सकते हैं बट फिर भी हमें इन चीज़ों का थोड़ा नोट डाउन करके चलना है। अब देखते हैं प्रसाद स्कीम के बारे में। प्रसाद स्कीम में भी मेन मोटो है वो कुछ थोड़ा सा हटके है। सबसे पहली बात तो एक तो ये आती है कि कल्चर मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है प्रसाद स्कीम, इसमें ये प्रावधान किया गया है भाई कि जो भी इंडिया की जो है ना टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए उसके लिए हमें क्या करना है कि आध्यात्मिक सेंटर वो बनाने हैं, मतलब लोगों का ट्रस्ट बनाना है, लोगों को मन में आध्यात्मिक भावनाएं बनानी है, ताकि हम एक ऐसे ऐसे सेंटर बना सकें जगह जगह, ताकि वहाँ पर लोग टूरिज्म को प्रमोट करें, मतलब लोग वहाँ पर टूरिज्म को अपने आप हैं। तो इन्हीं 12 प्लेस का इसको चूज किया है, सेम ये जो 12 के 12 प्लेस हैं इसमें क्या होगा कि आध्यात्मिक सेंटर है उसको बनाया जाएगा ताकि उसकी हेल्प से टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। तो पहला हमने देखा जो कि था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें मैन मोटो ये था कि भाई साइट वाइट को संभाल के रखना है ताकि बाकी हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह वो बढ़ेगी क्योंकि टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा। प्रसाद स्कीम में ये है कि भाई लोगों का ट्रस्ट, लोगों की जो फेथ है, लोगों की जो एक तरीके से आध्यात्मिकता की जो भावना है इसकी रिस्पेक्ट करनी है, और आध्यात्मिक सेंटर है वो बनाने हैं टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है वियतनाम और इंडिया MOU के बारे में। वियतनाम और इंडिया के बीच में एक MOU साइन हुआ है उसको लेके है, तो वो MOU किस किस के बीच में हुआ है, कौन कौन सी एजेंसी है वो देख लेते हैं। वो हुआ है
GCNEP का मतलब है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, और वियतनाम की एक जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसका नाम है वियतनाम एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। अब हमारे लिए जो बॉडी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ये देखो मेनली इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको उसके लिए काम करती है जो हमने देखा। इसके साथ ही काफ़ी कंट्रीज के बीच में सहयोग वगैरह भी हेल्प करती है। ये बॉडी है कहाँ पे, यह मेनली जो है सॉरी GCNEP है वो मेनली भादुरगढ़ हरियाणा में है। मिनिस्ट्री कौन से वो इम्पोर्टेंट हो जाती है तो वो भी हमें ध्यान रखना है, और डिपार्टमेंट है वो इसके लिए आता है एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट आता है जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री के अंतर्गत मतलब PMO के अंतर्गत यह डिपार्टमेंट है वो आता है। काम क्या है, काम जैसे हमने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी हुआ, एजुकेशन हुई, इसके साथ ट्रेनिंग वगैरह है न्यूक्लियर वगैरह से, वो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है छोटी वो आई है डेंजर आइलैंड के बारे में। तो डेंजर आइलैंड कहाँ है वो भी क्यों न्यूज़ में वो देख लेते हैं। देखो डेंजर आइलैंड है वो मेनली अंटार्कटिका ओशियन में है। न्यूज़ ये है कि आज नासा के द्वारा भी डेंजर आइलैंड के अंदर पता किया गया कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पेंगुइन है वो पाए गए, मतलब वहाँ पर पेंगुइन की बहुत भारी तादाद में पॉपुलेशन है, कॉलोनी है वो पाई गई है, तो उसको लेके तो UPSC पूछ सकती है भाई डेंजर आइलैंड के बारे में, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक बात देखो उसकी लोकेशन से वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1.5 मिलियन जो पेंगुइन है उनकी कॉलोनी पाई गई। यह मेनली देखो अंटार्कटिका ओशन में एक हिस्सा है, अंटार्कटिका का छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है डेंजर आइलैंड, तो वहाँ पे तो UPSC डेंजर आइलैंड की लोकेशन वगैरह पूछ सकती है। अब चलते हैं हम एक बार आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन हुआ है शक्ति स्थल के बारे में, आपको ये बताना कि शक्ति स्थल क्या है। देखो इसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था शक्ति स्थल के बारे में, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शक्ति स्थल है वो मेनली इंडिया का नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है जो कि कहाँ है कर्नाटका में है, जिसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पश्चिमी लहर के बारे में। पश्चिमी लहर क्या है, क्या कोई पश्चिमी लहर कोई मतलब इंडिया में साइक्लोन आता है वो है या फिर क्या, इसके बारे में आपको बताना है। देखो पश्चिमी लहर है वो मेनली हमने डिस्कस भी किया था, ये सारी चीज़ें पीछे वाली वही हैं। पश्चिमी लहर है वो मेनली अरेबियन सी में इंडियन नेवी के द्वारा जो वेस्टर्न आर्मी उसके द्वारा एक एक्सरसाइज है वो कंडक्ट है वो की गई थी। इसमें इंडिया की आर्मी भी थी, नेवी भी थी, एयरफोर्स भी थी, प्लस में इंडियन कोस्ट गार्ड भी था। तो वो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि भाई इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के द्वारा, ताकि फ्यूचर में यहाँ पर कुछ भी होता है इंडियन ओशियन में या अरब सागर में तो वहाँ पर एक्शन वगैरह ली जा सके। तो ये पश्चिमी एक्सरसाइज के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है WWF के बारे में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। तो ये आपको बताना है कि WWF है क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है WWF, तो इसके बारे में आपको बताना है क्या यह कोई NGO है या फिर दूसरा आपको बताना है कि इसे 1992 में अर्थ समिट के दौरान बनाया गया था। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो एक NGO है, बट दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि अर्थ समिट था हुआ था 1992 में जबकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो बना था 1961 में। तो यहाँ पे देखो UPSC आपसे दो चीज़ें पूछ रही है, पहली बात तो ये है कि एक अर्थ सबमिट कब हुआ था इस क्वेश्चन में, दूसरा ये पूछ रही है कि भाई WWF है वो बना कब था। तो इनडायरेक्टली देखो UPSC इस तरीके से आजकल क्वेश्चन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से घुमा के पूछ रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि भाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो 1961 में तो बना था, इसके साथ ही अर्थ सबमिट है वो कब हुआ था वो भी हमें याद रखना है। तो दोनों चीज़ें इस तरीके से UPSC क्रॉस में पूछ सकती है। तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।